हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिया। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने वीडियो अपलोड जो किया है यूट्यूब के ऊपर, तो यहाँ पर ये एक वीडियो जो था वो मैंने पहले इसका फर्स्ट पार्ट जो था वो पहले बनाया हुआ है। तो ये है हमारा शिमला ट्रिप का एक वीडियो जो मैंने हम लोगों ने शूट किया था, मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो हम दोनों साथ में घूमने के लिए गए थे, क्योंकि हॉलीडेज़ हो चुकी थी तो हम लोग भी चले गए घूमने के लिए शिमला। और शिमला द बेस्ट प्लेस है, तो आगे आगे देखेंगे आप। तो फ्रेंड्स, ये जो बिल्डिंग है ये IGMC शिमला है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो MBBS के लिए और नर्सिंग के लिए तथा BDS के लिए, मेडिकल की जो भी लाइंस हैं उसमें ये बच्चे जाते हैं और ग्रेजुएशन करते हैं वहाँ से। तो फ्रेंड्स, ये मैं आ चुकी हूँ जू के, कुफरीक में जो एक जू है तो वहाँ पर हम पहुँच चुके थे। तो यहाँ पर बहुत ही काफ़ी ज़्यादा जो है वो ठंड हो चुकी थी। बाकी जो शिमला मेन शिमला है वहाँ से ज़्यादा ठंड जो थी वो कुफरी में हमें महसूस हुई। तो बहुत ही, आप देखेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में कि कितने सारे जो प्लेसेस हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। तो ये तो मस्ट हैव है कि आपको यहाँ पर आना चाहिए और यहाँ पे आकर के इंजॉय करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हिमालयन नेचर पार्क कुफरी। तो कुफरी एक प्लेस है जहाँ पर हिमालयन नेचर पार्क है। तो यहाँ पर अंदर अब जब हम लोग जाएंगे तो हम आपको इंट्रोड्यूस करते जाएंगे कि अंदर जो हैं वो कौन कौन से जो एनिमल्स हैं उनको पाला जाता है। तो आप देखेंगे इस जू को। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो एक म्यूज़ियम टाइप था, छोटा सा, और इसमें काफ़ी कुछ बताया गया था एनिमल्स के बारे में। और अब हम लोग जा रहे हैं, ये एंट्री पॉइंट था, तो एंट्री पॉइंट से अब हम लोग जाएंगे जो नेचुरल जो पार्क बनाया गया है उसके अंदर। तो एक रूम के थ्रू जो था वो एंट्री पॉइंट था और वहाँ से आगे को जो है वो हम लोग निकल गए बाहर। ये जो है, ये जो मैं रूम बता रही थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टैचूज़ जो हैं वो अब आई डोंट नो ओरिजिनल हैं कि फेक हैं, लेकिन लगे हुए थे स्टैचूज़, क्योंकि इनका पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि ये स्टैचू एक्चुअल में ओरिजिनल हैं या फेक हैं, प्लास्टिक से बने हैं। बट क्योंकि ये एक छोटा सा म्यूज़ियम था एनिमल्स का, तो शायद हो सकता है ओरिजिनल भी हों, इसमें कोई शक नहीं, ओरिजिनल भी हो सकते हैं ये, जिनको प्रिजर्व करके रखा गया था। तो आगे आप देखेंगे कि यस, ये जो है वो अब हम आ चुके हैं नेचुरल पार्क में। तो यहाँ पर बस यही बात है फ्रेंड्स कि किसी भी जगह पर जब भी आप जाएं तो प्लीज़ आप कभी भी ये ना सोचें कि ये जू है तो आप इंटरेस्ट ना लें। तो हम लोगों ने तो काफ़ी इंटरेस्ट लिया और काफ़ी, मतलब जिसको बोलते हैं कि एंजॉय, तो काफ़ी एंजॉय किया हमने, क्योंकि नेचर में ये पार्क था। तो और काफ़ी टाइम बाद जो हैं वो हम दोनों अकेले जो थे वो शिमला के लिए घूमने के लिए गए थे, तो हमारे लिए हर एक मोमेंट जो था वो प्रेसियस था। और काफ़ी अच्छा लग रहा था कि हम दोनों ही थे और तो और फैमिली मेम्बर कोई भी नहीं था, बच्चे तक नहीं गए थे। तो थोड़ा सा निकालना चाहिए टाइम इस तरह का, निकालना चाहिए हस्बैंड वाइफ को कभी भी, कि आप बिना फैमिली मेम्बर्स के या बिना बच्चों के आप कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकल जाएं। तो यहाँ पर मैं अभी दिखा रही हूँ, ये एनिमल्स हैं, तो बहुत ही प्यारे एनिमल्स हैं, ये प्रकृति की धरोहर है मनुष्यों के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए। तो यहाँ पर हम कभी वीडियोस बना रहे थे, कभी पिक खींच रहे थे, तो ये
हिमालयी तहर है, तो हिमालयी तहर इसको, इस जानवर को जो है वो बोला जाता है। तो वो छोटा सा जानवर होता है, कुछ कुछ टाइप, कुछ जैसे बकरी, हाँ गोट से रिलेटेड कोई है ये भी। हिमालयी तहर जो इसका ओरिजिनल नेम है, हिमालयी तहर था। और आगे ये जो है ये घोरल है, ये जो अभी चल रहा है ये घोरल दिख रहा है आपको, तो इसका भी आगे एक पिक जो होगी वो आपको दिखेगी, तो वहाँ पर आपको पूरा इसका कि किस कैटेगरी से ये बिलोंग करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो सब आपको एक पिक के ज़रिए पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भालू, तो यहाँ पर तीन भालू थे जो बहुत काफ़ी भारी भालू थे, बहुत ही बड़े बड़े भालू। तो हमने कोशिश की है कि कुछ बेहतरीन कैप्चर किया जाए अपने मोबाइल के कैमराज से। तो ये देखिए यहाँ पर भालू की पिक लगी है, यहाँ पर सब कुछ बताया गया है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है और किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, स्पीसीज कौन सी है, तो ये सारा सब कुछ। तो यहाँ पर जो था ये आपको शायद दिखे ना, लेकिन ये टाइगर था, यहाँ पर दो टाइगर थे, आपको बिल्कुल लाइट दिखेगा, लेकिन कोशिश की थी, हाँ अभी दिखा थोड़ा सा। तो ये बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे, छोटा सा, हाँ ये भी कुछ थोड़ा सा अजीब तो लगता है कि जब एनिमल्स को, जो बिल्कुल खुले में घूमने वाले एनिमल्स हैं, और उनको एक छोटे से पिंजरे के अंदर जो है, पिंजरा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं, लेकिन हाँ इनके नेचर के हिसाब से तो बहुत ही, हाँ तेंदुआ है गाइस, ये तेंदुआ था, टाइगर नहीं है, तेंदुआ लेपर्ड, तो तेंदुआ था ये, सॉरी मैंने टाइगर बोल दिया उसके लिए, सॉरी। तो थोड़ा सा लगता है कि नेचुरल जो इनका हैबिटेट होता है उससे, उसको छीन लिया गया है इनसे, और थोड़ा सा तो महसूस होता ही है, और इन हमें थोड़ा महसूस होता है, लेकिन इनको तो बहुत ही, इनको तो मतलब आप समझ लीजिए कि एक प्रिजन टाइप हो जाता है, लेकिन ये जू बनाया गया है तो लोगों को एनिमल से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, बच्चों को भी यहाँ से काफ़ी बहुत सारी नॉलेज जो है वो बच्चों को आजकल जू के थ्रू जो है वो मिल रही है। तो यहाँ पर ये भालू का थोड़ा सा सीन जो है वो फ्रंट साइड से हमने लिया था, तो भालू के लिए भी काफ़ी बहुत, अगर है तो काफ़ी उसमें बड़े प्लेस में रखा गया है, काफ़ी डेंजरस होते हैं, लेकिन क्योंकि इनका, इनको रखा ही ऐसे प्लेसेस के ऊपर है कि किसी को ये हर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मोनाल की, आपने वीडियो एक पिक देखी, तो मोनाल जो है वो हमारे हिमाचल का पूर्व राज्य पक्षी था, स्टेट बर्ड था, लेकिन आजकल जो है वो जज्जू राणा जो है वो इन हिमाचली स्टेट बर्ड है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं जो बर्ड थे, बर्ड्स के लिए छोटे छोटे घर बनाए गए थे, तो वो अंदर ही छुपे हुए थे, कुछ तो निकले ही नहीं बाहर, शायद उनको, वो भी शाही नेचर के होते हैं, तो जब भी लोग यहाँ से निकलते हैं तो वो लोग, वो बर्ड्स बाहर निकलते नहीं अपने रूम से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रे मोर है, ये पिकॉक है, तो ये ग्रे कलर का होता है, ये भी मैंने फर्स्ट टाइम देखा और इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो ये है जुजुराना, जो मैंने कहा आपको कि स्टेट बर्ड है, तो ये यहाँ पे जुजुराना के काफ़ी जो बर्ड्स थे वो यहाँ पर थे और बहुत प्यारे लग रहे थे, शायद इस वीडियो में आपको थोड़ा सा ही दिखे, तो उसके लिए तो आपको शिमला आना पड़ेगा और कुफरी जू में आपको घूमना पड़ेगा, उनको सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और उनकी, वो कितने ब्यूटीफुल होते हैं, यहाँ आकर के आपको इंजॉय करना होगा। और आप प्लीज़ यहाँ पर, मैं रिकमेंड करती हूँ कि, और रिक्वेस्ट है कि आप हिमाचल आइए और यहाँ पर इंजॉय कीजिए, क्योंकि हिमाचल इंजॉयबल प्लेस है, बहुत ही ठंडा एक प्लेस है। तो यहाँ पर कुछ पिक्स जो हैं ये मोनाल की है, ये घोरल है जो पहले मैंने वीडियो बताई थी आपको, बीच में है फ्रंट में सबसे पहले, और
ये बारहसिंगा है एंड ये भी एक एनिमल, और हिमालयी तहर। तो इस तरह से काफ़ी जो थे एनिमल्स यहाँ पर जू में थे। और कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा भी जू नहीं है कि आप चलते चलते थक जाएंगे। ये सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाला जू है। 1 किलोमीटर में ही इसको शायद, आई थिंक 1 किलोमीटर, और आगे कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चला हुआ है। आगे भी इसको शायद डेवलप कर रहे हैं। तो ये भालू का सीन दोबारा से आ गया है। तो भालू को अब देखिए, बहुत भारी थे, काफ़ी इनका वेट होगा। तो यहाँ पर गाइस हम आ गए हैं अब बाहर, और ये है मार्केट थी वो जू के पास ही, बहुत ही खूबसूरत सी मार्केट थी। तो जब भी कभी आप आएँ तो यहाँ पर आपकी नज़रें जो हैं वो बरबस ही इस मार्केट की तरफ चली जाएंगी। छोटी सी मार्केट है, बहुत प्यारी सी, और बहुत अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर सब कुछ मिलता है। तो सब कुछ मिलेगा यहाँ पर आपको, खाने से लेकर कपड़ों तक सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अब हम चल पड़े हैं यहाँ से, कुफरी से हम निकल पड़े अब। तो कुफरी में और भी प्लेसेस हैं, जैसे एक पिकनिक स्पॉट, यानी कि जहाँ पे बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ के लिए एक बहुत ही बड़ी जो एक प्लेस बनाया गया है। तो वहाँ पर काफ़ी कुछ बच्चे जो हैं वो एक्टिविटीज़ करते हैं, वाटर गेम्स होती हैं वहाँ पर, बच्चे भी करते हैं बड़े भी करते हैं, और बच्चों के लिए तो बहुत कुछ है वहाँ पर। तो वहाँ पर स्पेशली वैसे बच्चों को नज़र में रख कर के ही बच्चों के लिए ये बनाई गई है, बनाया गया है वो स्पॉट। तो वहाँ पर काफ़ी कुछ था, वहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ जो थे वो बच्चे भी कर रहे थे, और लोग भी जो हैं काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तो आप देख रहे हैं कि हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कभी रेडियो पे जब अच्छे सॉन्ग बज रहे थे तो थोड़ा सा मन भी कर रहा था कि थोड़ा सा खुश हो के साथ साथ में हम भी गुनगुनाएं। तो कोशिश तो की थी, लेकिन कोई बेस्ट, कोई अच्छी सिंगर तो मैं हूँ नहीं, लेकिन हाँ लिटिल बिट थोड़ा बहुत गा भी लेती हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और समझ में आते हैं गाने और याद भी हो जाते हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो फ्रेंड्स, आगे भी हम कुछ पॉइंट्स जो हैं वो शिमला के जो काफ़ी अच्छे हैं वो आपको दिखाएंगे। शिमला का तो हर स्पॉट, बिलीव मी, इतने प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं कि आप बोलोगे कि अब हम घर नहीं जाएंगे, हम बस यहीं रुक जाएंगे। तो यही, यहाँ पे जब हम रुके तो ये एक नज़ारा था जिसको हमने कैप्चर करने की कोशिश की है। वैसे इतना तो हमारे में इतनी वो तो है नहीं, जिसको बोला जाता है कि इस ब्यूटी को क्लैरिफाई करने की या कैप्चर करने की हमारी कोई औकात नहीं है। ये इतना ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं कि जहाँ भी आप रुकें आपका मन करेगा कि नो, अब घर अगर बनाएंगे तो सिर्फ शिमला में ही और कहीं नहीं। तो इतना मन खुश होता है यहाँ पर आकर के। तो आप भी आएँ, इन्जॉय करें फैमिली के साथ, और हमेशा ये शिमला हमारा जो है वो हमेशा ही आपके वेलकम के लिए हमेशा रहेगा। बिल्कुल सेफ प्लेसेस हैं यहाँ पर। यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही भोले भाले और बहुत ही अच्छे दिलों वाले होते हैं। तो बहुत ही यहाँ पे डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर द बेस्ट प्लेसेस हैं। कि कई बार हो जाता है कि पता नहीं टूरिस्ट प्लेस जो है वो, जो भी हम चूज़ कर रहे हैं वो अच्छा होगा कि नहीं होगा, वहाँ पर हम जाएँ कि नहीं जाएँ। तो ये जो बिल्डिंग है गाइस, ये IGMC शिमला दोबारा से कैप्चर की है। तो ये IGMC शिमला है, मेडिकल कॉलेज है। तो गाइस, जैसे कि मैं बोल रही थी कि ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। लेडीज़ के मन में होता है, जेंट्स के मन में भी होता है कि जो भी हम स्पॉट जो है, वो प्लेस जो हम चूज़ कर रहे हैं, तो क्या वो जाने के लिए सही होगा? क्या हम लोगों की सेफ्टी वहाँ पर है? तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि ये द
बेस्ट एंड सेफेस्ट प्लेस है इंडिया का। तो यहाँ पर बिना थके और बिना डरे आप यहाँ पर हमेशा आ सकते हैं। और यहाँ पर क्या नहीं है करने के लिए, बहुत कुछ। आप गर्मियों में के टाइम में आइए, जब बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ को स्नोफॉल के टाइम पे आप यहाँ पर आइए और इन्जॉय कीजिए। स्नोफॉल के टाइम पे तो काफ़ी बहुत सीज़न का टाइम होता है यहाँ पे, बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ स्नोफॉल देखने के लिए तो यहाँ पर आते हैं। तो गाइस बस यही है, जैसे कि कहा जाता है कि जन्नत कहाँ है, तो जन्नत मेरे ख्याल से शिमला में है, हिमाचल में है। तो और कहीं भी जन्नत नहीं है, जन्नत है तो सिर्फ यहीं पे है। क्योंकि ये बहुत ही प्यारी प्यारी ये मार्केट थी, ये वाला जो मैं शूट कर रही हूँ, तो काफ़ी यहाँ पर बच्चे भोले भाले बच्चे, भोले भाले लोग सब यहाँ पर नज़रें गड़ाए बैठे रहते हैं और आपका वेलकम करते हैं कि सैलानी आएंगे और आपके स्वागत के लिए वो दिलों से, दिलो जान से वो आपके स्वागत के लिए यहाँ पर रहते हैं और आपका वेलकम करते हैं तहे दिल से। और गाइस ये जो शिमला जो सिटी है, इसमें एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन ये है कि आपको यहाँ पर गांव भी दिख जाएंगे आपको और शहर भी, मतलब इतनी डेवलप सिटी है। एक तरफ तो आपको जंगल, घने जंगल दिखेंगे हर जगह, जंगलों में, मतलब घने जंगलों में बसा हुआ एक बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन है। और आपको ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी कि यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको शहरों में मिल जाती है लेकिन यहाँ पर नहीं मिल रही, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, आप कुछ भी यहाँ पर, आपको जो भी चाहिए वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप सोचो कि हाँ अगर हम दिल्ली के हैं, बॉम्बे के हैं, वहीं पर मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही डेवलप्ड सिटी है, तो बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन वाला ये शहर है। तो फुली एक तरफ तो आप फुली डेवलप बिल्डिंग्स देखते हैं तो, और चकाचौंध भरी जो आधुनिक जो लाइफ है उसको आप महसूस करते हैं। कॉलेज गोइंग जो बॉयज़ गर्ल्स हैं उनकी आप जब लाइफस्टाइल को देखेंगे, उनका फैशन स्टेटस, ये कुछ भी आप जब देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि यस, ये तो बिल्कुल बिल्कुल टोटली डेवलप्ड जो सिटी है उस तरह की है। तो मैंने बस यही इन शॉप्स को कैप्चर करने का मेरा यही एक मकसद था कि आपको पता चले, आपका माइंड सेट जो है वो सही रहे कि हाँ वहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली और आपने बेस्ट प्लेस जो है वो चूज़ किया है घूमने फिरने के लिए। तो यहाँ पर एक साइड कहीं कहीं आपको बिल्कुल विलेजेस, गांव वगैरह लगेंगे, लेकिन ये जो है बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। आई थिंक पूरे वर्ल्ड में मेरे ख्याल से ये रेयर कॉम्बिनेशन है कि जहाँ पर दो संस्कृतियाँ, एक तो जो हमारी ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक जो संस्कृति है वो भी साथ में डेवलप कर रही है और साथ में आधुनिक जो संस्कृति है वो भी बेहिचक जो है कदम से कदम, दोनों संस्कृतियाँ जो हैं कदम से कदम मिला के बढ़ रही हैं, आगे चल रही हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कुछ प्लेसेस आपको, जैसे रिज है, तारा देवी टेम्पल, पिकनिक विद द व्यू एंड एडवांस स्टडी है, एंड माल रोड है, रिज है, कालका रेलवेज है और संकट मोचन टेम्पल है। तो यहाँ पर गाइस बहुत कुछ है देखने के लिए। जब भी आप एक बार यहाँ पर आओगे तो आप इस ट्रिप को कभी भुला नहीं पाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। आप हमेशा यहाँ पर आइए, हमेशा इंजॉय करेंगे और हमेशा ही खुश आपका दिल रहेगा हमेशा ही। फ्रेंड्स आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू एवरीबडी, बाय बाय गाइज।